तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं CBSE क्लास 10th भूगोल चैप्टर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन की नोट्स, वो भी हिंदी मीडियम में। इससे पहले जितने भी चैप्टर आपके मिड टर्म में आ रहे हैं, हर एक चैप्टर की नोट्स अपलोड है हिंदी मीडियम में, जिसमें MCQ क्वेश्चन, एक नंबर वाले क्वेश्चन, 3 से 5 नंबर वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का मेंशन है। साथ में जो आपका प्रैक्टिस पेपर यानी कि सैम्पल पेपर है, उसका भी सॉल्यूशन हिंदी मीडियम में अपलोड है। तो आपको अलग अलग प्रकार की वीडियो सर्च नहीं करना है, बस कमेंट में देख लो, मैंने प्लेलिस्ट की लिंक पेस्ट की है, ओपन करोगे सारी वीडियो लाइन से आ जाएगी, अच्छे से आप तैयार कर लो, ठीक है, तो कर लेना, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। MCQ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, त्रिपुरा। तो राइट आंसर नीचे लिखा हुआ है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है? एशियाई हाथी, निकोबारी कबूतर, हॉर्नबिल, एशियाई चीता। तो आंसर है आपका निकोबारी कबूतर, ठीक है। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक स्थायी वन क्षेत्र हैं? केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पेरियार बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो राइट आंसर है कर्नाटक, ठीक है। अगला, वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पवित्र, उपवन, आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन। तो उन्हें हम बोलते हैं अवर्गीकृत वन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बीज बचाओ आंदोलन क्या था? पहला, रासायनिक खादों से अधिक उत्पादन। दूसरा, टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन। तीसरा, हरित क्रांति। चौथा, पेड़ों को उगाना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट है, टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों को उगाना, ठीक है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? तो वृक्षों को उगाना, वृक्षों को काटना, वृक्षों की रक्षा करना, वनों के स्थान पर कृषि करना। तो वृक्षों की रक्षा करना, ठीक है। अगला, भारतीय वन्य जीवन अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में, ठीक है। अगला, किस राज्य ने सर्वप्रथम और कब संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव रखा? तो उड़ीसा, 1988 में, ठीक है। अगला, लुप्त जातियों से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर आंसर है पूरी तरह से समाप्त होने वाली जातियाँ, ठीक है। अगला, उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इमली और आम की, ठीक है। अगला, दुर्लभ जातियाँ किसे कहते हैं? तो संख्या कम या सुभेद, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, कौन सी जाति भारत में काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर बिश्नोई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों में लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरोदेव डाको सोनचरी घोषित कर दी, इसका क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट है, शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन्य जीवन को बचाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन एक वनों के ह्रास का कारण नहीं है? मतलब ह्रास का मतलब कमी का कारण नहीं है। तो यहाँ पर है रक्षक मेखला का निर्माण, ठीक है। अब यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, लघु और दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रश्न हैं। तो अब यहाँ से आप देखते चलना, आंसर नीचे लिखे हैं। पहला क्वेश्चन आंसर नीचे है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आंसर नीचे है,
क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फाइव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नाइन, क्वेश्चन नंबर टेन। और ये ध्यान रखना, निम्नलिखित किन राज्यों में स्थित हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये ध्यान रखना, ठीक है, ये पांच हैं और ये पांचों के आंसर, ठीक है। फिर क्वेश्चन ट्वेल्व, आंसर साथ में है, टोटल इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो कमेंट में लिंक पेस्ट है, ओपन कर लो, बाकी चैप्टर की नोट्स है तैयार कर लो, साथ में प्रैक्टिस पेपर का सॉल्यूशन है हिंदी मीडियम में उसको भी तैयार कर लो, और घबराना मत, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, उसी में से आएंगे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर नहीं आएगा, ठीक है ना। बस सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आराम से, और अच्छे से लिखना, जितना भी लिखना, घबराने से कुछ नहीं होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।